टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई में महिलाओं के साथ अपराध का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में मुंबई के साकीनाका इलाके में एक महिला के साथ रेप किया गया था और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी गई थी। इलाज के दौरान इस महिला ने दम तोड़ दिया था। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि वहीं मुंबई के ही विले पार्ले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दामाद ने अपनी सास के साथ मारपीट की, उसके ऊपर चाकू से वार किया, उसके बाद सास के प्राइवेट पार्ट में बांस डाल दिया। ये दिल दहला देने वाली घटना एक तरह से दिल को झकझोर देने वाली है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि चेन स्नेचिंग के मामले में करीब 3 साल से ये युवक बंद था और 1 सितंबर को इस युवक को रिहा किया गया। इस दौरान इस युवक को जानकारी मिली कि इसकी बीवी अपने माँ के साथ रह रही है, लेकिन इसने एक दूसरी शादी भी कर ली है और प्रेग्नेंट भी है। इस दौरान ये युवक अपने सास के घर पहुँचा और अपनी बीवी को अपने साथ चलने के लिए कहने लगा, लेकिन उस दिन उसकी बीवी उसके साथ नहीं गई। और दूसरे दिन ये युवक फिर अपने सास के घर पहुंचा तो उसकी बीवी घर पर नहीं थी, जिसके बाद अपने सास से अपनी बीवी के बारे में पूछने लगा कि आखिर उसकी बीवी कहाँ गई है। और इस दौरान सास में और दामाद में काफ़ी झगड़ा हुआ, बहस हुआ, और इसी झगड़े के दरमियान इसने अपने सास के साथ मारपीट की। टाइल्स से अपने सास के सर पर पहले मारा, उसके बाद चाकू से करीब कई वार किए अपने सास के ऊपर, और जब इससे भी इसका दिल नहीं भरा तो इसने बांस जो है अपने सास के प्राइवेट पार्ट में डाल दिया। बहरहाल पुलिस ने सास की हत्या के मामले में दामाद को गिरफ्तार कर लिया है और इस पर आईपीसी की धारा 377 और अप्राकृतिक अपराध जोड़कर मामला दर्ज किया है और 14 सितंबर तक इसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।